मौसम में बदलाव आने और प्रजनन काल में सर्पों का निकलना शुरू हो गया है। कोरबा के घंटा घर मार्ग पर नाली खुदाई के दौरान लोगों ने अजीब नजारा देखा। बाद में मालूम हुआ कि यह सब रेड स्नेक के अंडे हैं। स्नेक कैचर ने इन्हें रेस्क्यू करने के साथ सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया है। बुधवार से घंटाघर मार्ग पर रिहायशी क्षेत्र के एक तरफ गंदे पानी की निकासी के लिए नाली निर्माण का काम बारिश के सीजन से पहले नगर निगम करा रहा है। पिछले काफी समय से इस प्रकार की दिक्कत लोगों के सामने पेश आ रही थी, इसलिए इसका निराकरण करना सुनिश्चित किया गया है। इस स्थान पर नाली निर्माण के लिए वर्तमान में मिट्टी हटाने का काम जारी है। इलाके के लोगों ने एक जगह देखा कि किसी चीज के अंडे मौजूद हैं। आशंका के आधार पर उन्होंने स्नेक रेस्क्यू टीम को जानकारी दी। लोगों की यह आशंका सच साबित हुई जब यह पाया गया कि एक दर्जन से ज्यादा अंडे यहाँ मौजूद हैं, जो रेड स्नेक के हैं। देखिए, अभी तो मौसम हो चुके हैं क्योंकि लगातार इन समय सांपों के ब्रीडिंग के मैटिंग का समय है और अंडे देने का भी समय, तो इस समय संभवतः ये रेड स्नेक के अंडे हैं जो कि छोटे छोटे साइज के हैं और अगर दूसरे बड़े सांप होते तो वो तो बड़े होते। मौके पर काफी तलाश करने पर भी किसी भी सर्प का पता नहीं चला, इसलिए एक बार और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। आसपास के बस्ती के लोग डरे हुए थे, उनका कहना था कि भाई अंडे हैं तो सांप ही होंगे, तो उनका कहना था कि भाई आप एक बार इसको सांप को भी ढूंढने का प्रयास करिए, तो जेसीबी के आपस में काम चल ही रहा था तो हमने उनसे बोला कि भाई थोड़ा सा इस जगह मिट्टी को हटाया जाए। स्थानीय लोगों के कहने पर उसको हमने हटाया और हटाने पर देखा कि सांप फिलहाल नहीं मिला है, लेकिन उनका कहना है कि सांप को सर एक बार आपको फिर आ जाइएगा और फिर एक बार सांप को ढूंढने का प्रयास करिएगा। मौसम बदलने के साथ आसपास में खतरा बढ़ने लगा है और लोगों का डर भी बढ़ गया है। इन कारणों से जरूरी कदम उठाने के साथ लोगों को सतर्क किया जा रहा है। इससे पहले कई क्षेत्रों में सर्प और अजगर का रेस्क्यू करने के साथ उन्हें बालको रेंज के घने जंगलों में छोड़ दिया गया है। ग्रैंड डे से न्यूज के लिए मनोज यादव की रिपोर्ट।